नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भारतीय खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए लहसुन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खाने में लहसुन डालने से उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लहसुन सेहत के लिए काफी फायदेमंद जो माना जाता है, खासतौर पर सर्दियों में इसे खाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। लहसुन को सर्दियों का सुपर फूड माना जाता है। वैसे तो लहसुन खाना सभी के लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो आइए जानते हैं किन लोगों के लिए लहसुन खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। लहसुन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सर्दियों में इसे खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन के और भी कई फायदे हैं, लेकिन हर किसी के लिए लहसुन को खाना फायदेमंद साबित नहीं होता है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उन्हें लहसुन खाने से सीने में जलन होने लगती है, ऐसे में उन्हें इससे बचना चाहिए। इसके अलावा एसिडिटी से परेशान लोगों को खाली पेट लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका पेट काफी ज्यादा कमजोर है और कुछ भी खाने से आसानी से खराब हो जाता है, तो आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या शरीर से पसीने की बदबू आने की समस्या है, तो आपको लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप खून को पतला करने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आपको एक नियमित मात्रा में भी इसका सेवन करना चाहिए। लहसुन सभी के लिए खराब या हानिकारक नहीं होता है। लहसुन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है। ये इम्यूनिटी में सुधार करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। कच्चा लहसुन खाना फायदेमंद होता है। लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा खाने की चीजों में किया जाता है, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा मिलता है अगर आप कच्चा खाते हैं। लहसुन का ज्यादा तापमान पर पकाने से इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स मर जाते हैं। इसलिए अगर आप लहसुन के फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसे 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर ना पकाएं। आपको लहसुन के फायदे तो पता है, सभी लोगों के लहसुन फायदेमंद होता है ये भी पता है, लेकिन हमारी इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के लिए लहसुन नुकसानदायक होता है, जो कभी कभी उन्हें शर्मिंदा कर देता है और कभी कभी उनके लिए एक समस्या भी बन जाता है। इसलिए उन लोगों को लहसुन का सेवन करना तो चाहिए, लेकिन नियमित रूप से करना चाहिए। आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज डिजिटल। धन्यवाद।